हाय नमस्कार, मैं सिद्धार्थ तरुला और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज 100। इस समय हम बता दें कि हम बीके के शव ग्रह के ठीक सामने खड़े हुए हैं, आप जुड़ जाइए। और हम ये भी बता दें कि आपको अभी एक गंभीर आरोप लगाया जा रहा है कि पुलिस किसी के ऑफिस में जाती है और उससे मार पिटाई करती है, उसके बाद उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। आइए हम उन्हीं के लोगों से, उन्हीं के परिवार वालों से जानते हैं कि क्या मामला है, कौन है वो व्यक्ति जिसकी मृत्यु हो जाती है। आइए हम उन्हीं के परिवार वालों से जानते हैं। नमस्कार जी, क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम अमित है। क्या मामला है? मैं उनके साले का बड़ा बेटा हूँ। और नाम बताइए कि किन के साले का बड़ा बेटा? इंद्रजीत सिंह भाटी जिनकी डेथ हुई है, मैं उनके साले का बड़ा बेटा। उम्र कितनी थी उनकी? उनकी 50 साल उम्र थी। 50 साल उम्र जी। कहाँ के रहने वाले थे, क्या मामला है? वो लेकवुड सिटी में रहते हैं, जो सूरज कुंड के पास है। वो अपने ऑफिस में बैठे थे, 3 पुलिस वाले आते हैं उनके ऑफिस में और उनके मैनेजर से पूछते हैं भाटी कहाँ है। एक उनके साथ सिविल में भी था। तीनों पुलिस वाले आकर उनको जबरदस्ती थप्पड़ मारने स्टार्ट कर देते हैं। वो पूछते हैं बात क्या है, कुछ नहीं सुना। उसके बाद उनको घसीट के लेके जाने लगे। उन्होंने बोला 2 मिनट रुको, बैठ के बात करो। फिर भी उनकी उन्होंने कोई बात नहीं मानी और मारना स्टार्ट कर दिया। खचीट कर घसीट कर लेके वो उनको गेट पर आ गए। गेट पर आके वो गिर गए। उन्होंने बोला मुझे पानी दो, तो उन्होंने उनके मैनेजर पानी लाया तो उसको मना कर दिया कि कोई पानी वानी नहीं है, कि उनसे बोला कि कोई पानी वानी नहीं है। उसके बाद फिर उनके मैनेजर ने बोला कि 2 मिनट आप रुक जाइए। उन्होंने कुछ नहीं सुनी, मैनेजर को भी थप्पड़ मारा। और उसके बाद जब हमारे फूफा जी नीचे गिर गए तो उनके भी 2 लात मारी। उसके बाद फिर पुलिस वाले शांत हुए। जब उनका फिर बेटा आया, 10 मिनट तक वो वहीं लोटे रहे। उनका बेटा आया, जब वो उनको उठा के ले गया तो गैर थोड़ा दिखाने के लिए सपोर्ट करके उनको दिखा रहे थे कि भाई हम आपकी सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं था। अगर कोई बात भी थी तो उसको बैठ कर या फिर कोई FIR की कॉपी लाते या कुछ लाते। पुलिस वाले को कोई अथॉरिटी नहीं होती सीधे आके मारना स्टार्ट करने की, जिससे उनको अटैक आ गया और उनकी मौत हो गई। जो उनके साथ सिविल ड्रेस में जो व्यक्ति आया था, क्या आप उनको जानते? नहीं, मैं उनको नहीं जानता। कोई पुरानी रंजिश नहीं, कोई पीछे, कोई इनका बैकग्राउंड, कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है, कुछ नहीं है। एक गंभीर आरोप लगा रहे हैं पुलिस के ऊपर, कोई CCTV? मैंने 2 बार पुलिस को कंप्लेंट करी है पहुंच के वहां पे, पर दोनों बार कंप्लेंट में कोई नहीं आया। बोल रहे SHO साहब आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, बल्कि उनकी जगह वहां फोर्स खड़ी कर दी क्योंकि ये कोई हंगामा ना करें उससे पहले। और पीछे से 2 पुलिस वाले आकर बैंक वालों को बोलते हैं कि ये DVR हमको दे देना। 2 पुलिस अच्छा, वाले आसपास में कोई बैंक भी था? हाँ, बैंक है, HDFC बैंक है, एक्सिस बैंक है। और उनके बंदों से जाके बोलते हैं CCTV फुटेज दिखाओ और इसकी DVR हमको दे दो। अच्छा, CCTV फुटेज दिखाओ और DVR। उसी CCTV फुटेज के अंदर मामला आया? CCTV फुटेज में वो पुलिस वाले अंदर आ रहे हैं और बाहर जब मेरा जो छोटा भाई है, मेरे फूफा जी का बेटा है, वो उनको लेके जा रहा है। वो 2 ही चीज़ है मारने की, उसमें कुछ नहीं है क्योंकि जो हमारे ऑफिसर्स में कोई CCTV नहीं था। ये उनके मैनेजर है, ये उनके वहीं थे, ये विटनेस है। आप वहीं पर मौजूद थे? बिल्कुल। मेरा नाम प्रभु मंडल है, मैं भाटी साहब का मैनेजर हूँ, जो हमारा बॉस है, ठीक है ना। उनके साथ आज सुबह का ये घटना है। जैसे ही मतलब समय हुआ, कोई होगा कोई 12 बजे के आसपास होएंगे, ठीक है। एग्जैक्ट देखा नहीं था। 3 पुलिस वाला आया, एक सिविल ड्रेस में एक बंदा आया, ठीक है। आते ही सबसे पहले पूछना चालू कर दिया कि भाटी साहब कहाँ पे है, भाटी कहाँ है, भाटी ऐसे बोला, साहब नहीं भाटी। तो मैंने बोला कि अंदर है। तो जैसे ही अंदर गया तो हमारे भाई साहब को कहने लगा कि चल खड़े हो जा, थाने जाना है, खड़े हो जा। तो भाई साहब ने कहने लगा क्यों, क्या हो गया भाई साहब, ऐसे क्या इतना थोड़ी मार के क्यों बोल रहे हो, आराम से बात करो ना, बैठो, क्या हो, क्या गया बताओगे? कह रहे तेरे को तो थाने में जाके बताऊंगा, चल साले। ऐसे उसका मतलब कॉलर पकड़ के इतना ऊंचा, अब शब्द भी यूज किया गया, गंदा यूज किया, थप्पड़ भी मारा मेरे सामने, ऐसे जगह में थप्पड़ मारा तीनों पुलिस वाले ने। ऐसा पुलिस वाला, ये पुलिस वाला नहीं, साले डाकू है, डाकू ऐसा वर्दी में आया हुआ था। और कुछ नाम था? नाम मुझे नहीं पता, लेकिन उसके साथ जो बिना वर्दी वाला भी जो बंदा था, ठीक है, उसने भी मारा है हमारे भाई साहब को, ठीक है। किस बात को मारा ये कुछ नहीं पता है, लेकिन हाँ जैसे घसीट के ला रहा था तो हमारा भाई साहब को इतना बुरी तरह से मतलब वहाँ नीचे गिर गया था, ठीक है, बेहोश होकर गिर गया। यहाँ था कि पानी नहीं दे रहा था। आसपास का बैंक वाले जो भी था, ठीक है, जो दुकान वाले वो लोग आया, वो लोग पानी वानी लेके दिया, मदद किया है। लेकिन पुलिस वाले क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं साले तो नाटक कर रहे हैं, पैरों से और बल्कि मार रहा है उसको। बंदा गिरने के बाद आपके जो मालिक है उनको गिरने के बाद फिर मारा, गिरने के बाद पैरों से मारा है उनको। ये कोई तरीका थोड़ी है, ये साला पुलिस वाला नहीं, ये साला डाकू है, डाकू ऐसा पुलिस वाले को कौन ये भरोसा करेगा। ये पुलिस वाले को वर्दी पे भी साला डाकू पैदा हो रहा है। आपका आरोप है सीधा पुलिस वाले आते हैं और मारना स्टार्ट? बिल्कुल बिल्कुल, आज अगर ये पुलिस वाला तीनों नहीं आते तो आज हमारे भाई साहब जिंदा होते। और इतना शरीफ आदमी है ये, मतलब पूरा कॉलोनी वाले जानते हैं, पूरा उस प्लाजा में सब जानते हैं, एक से एक लोग जानते हैं कि ये कितना शरीफ आदमी है। किसी गरीब का कुछ हो जाए ना, 1 मिनट लगता है वहाँ पर जाके उसका मदद करने के लिए। का नाम बताना चाहेंगे? ये चांबूट प्लाजा है, हीरोज गार्डन के अंदर में है। कितने समय से ओपन है वहाँ पर? ये होंगे कोई मान के चले कोई 3-4 साल हो गया, और ज्यादा ही होगा। 2004 में यहाँ से शुरू किया था।
ठीक है जी, काफी पुराना है। किस नाम से, किस नाम से था प्रॉपर्टी डीलर? फॉर्चून रियल एस्टेट के नाम से है। फॉर्चून रियल एस्टेट के नाम से। उनके क्या कोई बच्चे भी थे या कितने बच्चे थे? उनका बेटा वहाँ पर था नहीं, मैंने फोन करके बुलाया हूँ, ठीक है। तो उन मुश्किल से कोई 3 से 4 मिनट के अंदर अंदर आ गए। दो बड़ी बेटियां हैं, एक छोटा बेटा है। कमाने वाले वो अपने घर के अकेले थे, जिनको सब कुछ पता था, जो वो खुद करते थे। उनकी बिटिया की 2 महीने बाद शादी थी, उसकी शादी की तैयारियां चल रही थी। हमको तो अपना हक दिया जाए, हमको अपना राइट दिया जाए, और इन पुलिस वालों के साथ तकड़ी से तकड़ी कार्रवाई करवाना चाहते हैं। पुलिस वालों के ऊपर आरोप लगा रहे हैं आप, इसके बाद अगला कदम क्या रहेगा? अगला कदम हमारा यही है, साफ है, हम तो पीछे पड़े रहेंगे इनके, जैसे भी होगा हम तो सब तरीके से तैयार है। हम मीडिया, हम ट्विटर भी करेंगे, हम सब चीज करेंगे। अभी तक आपने चौकी में जाके, थाने में जाके कोई? हमने 2 बार ऑनलाइन कंप्लेंट कराई है, उसकी कोई उसका वो नहीं हुआ, कोई उसका हमें जवाब नहीं मिला, कोई उसका हमें सॉल्यूशन नहीं मिला। बस ये कह देते हैं एसएचओ साहब आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, वो आ रहे हैं। हम लोग वहीं पर ऑफिस के आगे खड़े कर दिया है दुनिया भर को, और पुलिस वाले का जिप्सी लगे खड़े कर देते हैं, एसएचओ साहब आ नहीं रहे, ये कोई थोड़ी है। ये बड़े क्या नाम है जी आपका? ज्ञानेंद्र भाटी है मेरा। उनसे क्या लगते हैं आप? मेरे भाई लगते हैं, छोटे मेरे से भाई लगते हैं आप। क्या कहना चाहेंगे आप? यही कहना चाहेंगे, पुलिस के साथ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, और यहाँ आकर के बॉडी जमा कर लिए, ना तो वो पोस्टमार्टम कर रहे हैं, ना FIR लिख रहे हैं। सब लोग परेशान है, इधर से इधर, इधर से इधर। कोई प्राणी रंजिश कहीं पर? कोई प्राणी रंजिश नहीं, कुछ नहीं।